उपर आप जो गुड़ दियाँ पेस्टियाँ अते उन्हां बनाउण बारे प्रवासी मजदूरां बारे पढ़िया सी। उन्हां गुड़ बनाउण दी जांच हुंदी है, जांच मीनस हुनर तरीका। खंड शब्द काफ़ी पुराना है, पुराने समयां विच गन्ने दी रोहो नूं मिट्टी दे घड़िया मिट्टी दे घड़े भाव मिट्टी दे बर्तना विच पा के कट सेक उपर गर्म करदे सन। इस प्रक्रिया विच पानी हवा विच उड़ जांदा ते घड़े विच खंड बननी शुरू हो जांदी सी। पर अज कल खंड बनाउण दा काम खंड मिलां विच ही कीता जांदा है। यह मिलां वड्डे पद्धर उपर लगाईआं जांदीआं हन, जिथे टन्ना दे टन हर रोज़ गन्ना पीड़िया जांदा है। टन तो भाव जिहदे विच 1000 किलोग्राम का वजन हुंदा है। खंड मिल विच खंड बनाउण लई पहला गन्ने नूं कुतर के उसका रस निचोड़ लिया जाता है, फिर इस नूं वड्डे वड्डे बॉयलर उबालण वाले जिहड़े वा बर्तन उन्हां विच गर्म किया जाता है, फिर इस नूं ठंडा किया जाता है। इस नूं राब कहा जाता है। गन्ने दे उबालण तो जिहड़ा गूढ़ा जिहा रंग वाला रस बनता उन्हूं आपां राब कहिंदे हन। पानी का मिश्रण भाव रलिया मिलिया हुंदा है। जदों इस राब नूं वड्डियां वड्डियां मशीनां विच पा के घुमाया जाता है, जिवें कपड़े धोण वाली मशीन विच पानी घुमाया जाता है ते इस उपर गर्म गर्म हवा पाई जाती है तां पानी उड़ जाता है ते दानेदार खंड वख हो जाती है। इन्हां दोनों तस्वीरां विच खंड बनाउण वालियां जिहड़ियां मिलां ने उह कारखाने हन। वख वख वधावां ते दस्सिया कि किवें गन्ने नूं कुतर के जिहड़ी खंड तैयार कीती जांदी है। खंड फैक्ट्रियां विच गन्ने दी रहिंद खूंद नूं भी वरतों विच लिआंदा जांदा है। गन्ने दी पच्छी ते गन्ने दा फोक बालण दे कम आउंदा है, जिस नाल वड्डियां वड्डियां टरबाइनां चलाईआं जांदीआं हन। इन्हां टरबाइनां दी वरतों नाल बिजली पैदा कीती जांदी है। हर रोज़ खंड मिल अपने लई लोड़ींदी बिजली आप पैदा करदी है। गन्ने दी रहिंद खूंद दी वरतों कागज़ बनाउण लई भी हुंदी है। अज कल इस कागज़ दी भी वरतों वध गई है। जिहड़ी कापी तुसीं आम लिखण लई वरतदे हो उह इस कागज़ तों भी बनदी।